नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के कार्यक्रम को लेकर डोईवाला में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ड्रीम प्रोजेक्ट का कल लोकार्पण करने जा रहे हैं। सूर्यधार जलाशय का कल लोकार्पण मुख्यमंत्री अपने हाथों से करेंगे। स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम से झील जानी जाएगी। कल सुबह 11 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत झील का लोकार्पण करेंगे। आसपास के गाँव के माना जा रहा है कि विकास की जो गति है उसमें अब तेजी आएगी। 18 गांव को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से भी जलाशय काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। परियोजना का लोकार्पण करेंगे और निश्चित रूप से इस परियोजना से जो गांव में जो पीने के पानी की दिक्कत थी, कई गांवों को इसका लाभ मिलेगा और सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग होगा। और ख़ासकर मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है और जो पर्यटन को बढ़ावा देने के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और पलायन को वापसी को लेकर जो लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, उसका एक ये उदाहरण है। इस योजना से निश्चित रूप से पलायन वापस होगा और जो हमारे गाँव के क्षेत्र के लोग हैं, जो गाँव वाले हैं, वो उनका चौमुखी विकास होगा। फहीम रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। फहीम, आपसे जानना चाहेंगे कल जो योजना का लोकार्पण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, कितना फायदा डोईवाला के लोगों के लिए होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की महत्वाकांक्षी योजना थी और सूर्य झील का निर्माण होना डोईवाला के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत क्षेत्र का जो है और उसी का ही बनी है। और इसमें जैसे कि आपने बताया कि 18 गांवों का सीधे तौर पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और सिंचाई के लिए एक जल स्रोत मिल सकेगा। ये एक बड़ी बात है क्योंकि जो इस इलाके के लोग हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव क्षेत्र है जिनको पीने के पानी को लेकर के और सिंचाई के पानी को लेकर के थोड़ी दिक्कत थी और ये इलाका इसका जो पानी जाएगा वो तराई के क्षेत्र तक जाएगा, तो ये पानी काफी महत्वपूर्ण है। और ग्रामीण क्षेत्र में इसको अगर हम सीधे तौर पर इस नजरिए से देख लें कि जो किसान है और जो कृषि है वहाँ के लोगों की आर्थिकी के सुधार की तरफ भी ये इसका लाभ जाएगा और पेयजल उपलब्धता तो है ही, ये काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसका कल लोकार्पण होने जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर पहाड़ों पर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या होती है कि साफ पानी उनके नलों तक पहुंचे और उससे माना जा रहा है कि काफी हद तक जो परेशानी है वो खत्म हो पाएगी, लेकिन इसके साथ साथ पलायन एक बहुत बड़ी परेशानी का मुद्दा हमेशा से रहा है, राजनीति का भी मुद्दा रहा है। फहीम, इस योजना के जरिए आपको क्या लगता है कि पलायन काफी हद तक रोकने में ये योजना कामयाब रहेगी? देखिए, पलायन आयोग जो अध्ययन कर रहा है, अलग अलग जिलेवार पलायन आयोग की रिपोर्ट आ रही है, उनमें एक मुख्य तौर पर है जो कॉमन कही जा सकती है कि जो पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से जो पलायन है वो मुख्य तौर पर रोजगार को, यानी स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध ना होना। अब बहुत बड़े रोजगार फैक्ट्री के तौर पर या उद्यम के तौर पर तो नहीं हो सकते पर्वतीय क्षेत्र में, लेकिन सबसे ज्यादा जो संभावना है वो है स्थानीय स्तर पर कृषि विकास, औद्यानिकी, वानिकी, पशुपालन, इनसे संबंधित या डेयरी विकास से संबंधित स्वरोजगार को बढ़ावा देना और तभी पलायन के रुकने की या फिर रिवर्स पलायन की संभावनाएं बढ़ती। ऐसे में जो जैसे लाभ पेयजल और दूसरा कृषि सिंचाई, तो जाहिर सी बात है कृषि सिंचाई को लेकर के पानी उपलब्ध होगा तो लोगों को बाहर पलायन करने से ज्यादा वहीं स्तर पर अपने रोजगार को बढ़ाने रोकने में महत्वपूर्ण। जी फहीम, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह जो रावत हैं उनके कार्य को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल पहुंच के ड्रीम प्रोजेक्ट का लोकार्पण मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं और ये झील जाहिर तौर पर पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज समीक्षा बैठक की। सचिवालय में कोविड-19 पर समीक्षा बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों में जो अधिकारी तैनात हैं वो भी मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कोविड-19 के डेथ रेट को कम करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए और प्रयासों की जरूरत पर जोर मुख्यमंत्री ने दिया, साथ ही कहा कि टेस्टिंग भी बढ़ाई जानी चाहिए।
एक बार फिर रेजिडेंट एडिटर फहीम का हम रुख करते हैं। फहीम, जाहिर तौर पर कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये एक बड़ी चुनौती तमाम राज्यों के लिए। उत्तराखंड में क्या खास निर्देश दिए गए हैं और स्टेटस क्या है कोरोना का, ये भी जरा बताइए। देखिए, दर्जन भर से करीब कमोबेश रोज मौत का आंकड़ा आ रहा है उत्तराखंड में, और ये चिंता आपके नजर इस देखा जा रहा है सरकार के द्वारा। आज मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उनमें महत्वपूर्ण तौर पर ये भी है कि जो डेथ का रेशियो है, डेथ का आंकड़ा है, ये कम किया जाए। और इसको लेकर के जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो डेथ हो रही है उनमें ज्यादातर ऐसे केसेस हैं, ऐसे पॉजिटिव केसेस हैं, मरीज हैं जिन जो और दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित है। तो मुख्यमंत्री ने बहुत सख्त लहजे में और बहुत साफ तौर पर ये स्पष्ट करके कहा है कि अगर बीमार हैं कोई पहले से भी और उनको कोरोना पॉजिटिव होता है तो उनके इलाज को लेकर के रेफर करने में किसी तरीके की देरी ना हो, अगर कहीं हायर सेंटर भेजा जाना है। और क्योंकि कोविड का पर्याप्त में कोई सीधे तौर पर इलाज नहीं है, लेकिन जो दूसरे बीमारियों से ग्रसित मरीज हैं उनका जो इलाज चल रहा है उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, वो उससे डिप्रेशन पड़ रहा है, एक तो ये बात कही है। और दूसरा ये कि जो सिम्टोमेटिक है उन सिम्टोमेटिक का उनका सिम्टम्स का पता लगते ही उनके जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो तेजी के साथ किया जाना चाहिए, उसमें कोई लापरवाही ना हो। और जो उसकी रिपोर्ट है वो भी पर्वतीय क्षेत्र में 48 घंटे में मिल जानी चाहिए, और जो सुविधाजनक शहरी क्षेत्र है उसमें 24 घंटे में रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, ताकि और उसके हिसाब से इलाज में, और अगर कहीं आइसोलेट किया जाना है या कोई आईसीयू की जरूरत है या फिर दूसरे अस्पतालों कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना है, तमाम प्रक्रिया तेजी से हो सके। और तीसरी बात एक महत्वपूर्ण और कही है मुख्यमंत्री ने कि जो मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने और दूसरे और एसओपी का पालन ना करने पर जो पेनल्टी फीस वसूली जा रही है वो फीस राजस्व वसूली के नजरिए से ना ले पुलिस, उसको केवल उनको पनिशमेंट दे और एक ये उनको सुधार के नजरिए से दे। बिल्कुल, और बेहद जरूरी भी है कि जागरूक किया जाए, कड़ी कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि कई बार ऐसे ही भी खबरें आती हैं कि पुलिस दुर्व्यवहार किया या उत्पीड़न किया, लोगों को लेकर इस तरीके की शिकायतें कई बार सामने आई हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिर बात किसान आंदोलन की करते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने किसानों के आंदोलन को राजनीति करार दिया है। देहरादून पहुंचकर दुष्यंत कुमार गौतम ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को की जो तैयारियां हैं उस पर जोर देने की बात कही है। इसके साथ ही मंत्री सुबोध उनियाल के साथ मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। 5 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं होती, हम चुनौती को भी अवसर में बदलने की ताकत रखते हैं। हम हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, हम चुनाव इसलिए भी लड़ते हैं कि समय आएगा तो काम करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। हम पूरे 5 साल जनता की सेवा करते हैं, जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का 85% लोगों पर प्रभाव पड़ा है, हमने गरीबों को उनका सम्मान देने की बात कही है, उनका जीवन स्तर बढ़ाने की बात कही है, बच्चों को सम्मान मिले, बुजुर्गों को सम्मान मिले और बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, ये सारे मुद्दे हम लेकर चलते हैं, क्योंकि हम मजबूत भारत चाहते हैं और मजबूत भारत के अंदर हर व्यक्ति मजबूत होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी अभी तो फॉर्मल मीट बैठ के बातचीतें हुई है, कोई विशेष विषय पर बातचीत नहीं हुई है, मुलाकातें हुई है, परिचय हुआ है, 2 दिन के दौरे पर हैं और आज अब 2 बैठकें होंगी, उसके बाद कल प्रातः एक कोर कमेटी तो नहीं कहा जा सकता, एक वरिष्ठ लोगों की टीम के साथ बैठना होगा। कोर कमेटी के सदस्य पूरे नहीं हैं इसलिए उसको कोर कमेटी नहीं कह सकते, लेकिन वरिष्ठ लोगों के साथ बैठना होगा सुबह 9 से 10। उसके बाद पूरा 2-3 घंटा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रोग्राम की समीक्षा को कैसे होगा, क्या होगा, उस पर चर्चा। किसान आंदोलन को लेकर लगातार राजनीति जारी है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है, कृषि बिल को लेकर विरोध का समर्थन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर हमला किया, कहा कि सरकार के खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन चलता रहेगा, साथ ही सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। देखिए, जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किसान जो है दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, किसानों को रोकने के लिए
चाहे हरियाणा बॉर्डर का मैं जिक्र करूं या दिल्ली बॉर्डर का मैं जिक्र करूं, अवरोध उत्पन्न किए गए और एक बड़ा संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और किसानों को जो है दिल्ली में प्रवेश करने का जो है वो मार्ग प्रशस्त किया गया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार क्यों हठधर्मिता पर है। किसान कई बार सरकार से वार्ता भी कर चुके हैं लेकिन वार्ता के बाद कुछ जो है रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहा। यही तो कहना है किसानों का कि आपने कानून बनाया है, उस कानून के तहत जो है आप किसानों की आय दुगनी करने की बात भी कर रहे हो, आप जो है किसानों की जो मौतें हो रही है उसको भी कम करने का जिक्र कर रहे हो, तो उसमें MSP का जिक्र क्यों नहीं कर रहे जब कानून बना दिया। देखिए जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किसान बात आम आदमी पार्टी की, टीडी में आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश प्रवक्ता अवतार सिंह ने BJP पर जमकर निशाना साधा, बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए, 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, दिल्ली से बेहतर काम करने की बात कही है। अवतार सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का हम विकास करेंगे। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं जो कि देश ही नहीं पूरे विश्व में भी दिल्ली का शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और हमारे जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हैं। अब उत्तराखंड की बात करें तो क्या करेंगे आप? हम उत्तराखंड में जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, हम यहाँ पर गांव क्लिनिक का हिसाब वो करेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तमाम जो प्रयास दिल्ली में हुए हैं इससे बेहतर प्रयास यहाँ पर करेंगे और यहाँ के लोगों की आशा के अनुरूप हम यहाँ पर चलेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को जो अब तक अच्छी गुणवत्ता उसके ठोस संसाधन के अभाव में जो गुणवत्ता बढ़ नहीं पाई है वो हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और इस पे हम। किसान आंदोलन की चिंगारी अब उत्तराखंड में भी भड़क चुकी है जिसको लेकर आज सैकड़ों किसान दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े। उत्तराखंड बॉर्डर पर तैनात भारी पुलिस प्रशासन ने किसानों को बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की। आपको बता दें कि कृषि बिल के विरोध को लेकर देश भर के किसान उग्र हो रहे हैं जिसके चलते दिल्ली में भी पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसान दिल्ली का घेराव करने में जुटे हुए हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं इस आंदोलन की आग उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के किसानों ने कल चक्का जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का आज एक प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें इन लोगों के द्वारा दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हो रहा है उस किसान आंदोलन में इनको सम्मिलित होना था। चूँकि अभी कोरोना का संक्रमण पुनः तेज़ी से बढ़ रहा है उसी के संबंध में आप लोगों को रोका गया है। यहाँ पर रोक करके आप लोगों से वार्ता करी गई, वार्ता करके उनको आवश्यक हिदायत भी कही गई कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि आप जानबूझ के जोखिम ना लें और हमारा सहयोग करें, इसी के संदर्भ में इनको रोका गया। केंद्र सरकार ने जो किसानों को तीन काले कानून पे जो है पूरा आज किसान पूरा रोड पर कर दिया है, वो बीवी बच्चों सहित घर के ताले लगाकर हरियाणा पंजाब का किसान जैसे निकला हुआ है उसी में ही उस यज्ञ में जो है आहुति देने के लिए उत्तराखंड का किसान जा रहा था दिल्ली, जिसको रास्ते में जो है अरेस्ट किया गया है पुलिस द्वारा, CO साहब द्वारा, APS साहब है मंगलोर के, अब गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं किसान। आगे का क्या रहेगा, कहाँ लेके जाएंगे? 2021 को मेला जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कुंभ मेले को सुंदर और भव्य बनाने की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से कुंभ का स्वरूप क्या होगा अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन 13 अखाड़ों में कुंभ को लेकर अपनी तरफ से सभी तैयारियां की जा रही हैं। पंचायती निर्मल जो निर्मल अखाड़ा है उसको सुंदर स्वरूप देने के लिए अखाड़े में रंग रोगन के काम चल रहे हैं। जैसे जैसे कुंभ नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ही तमाम कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। अखाड़े में शाही स्नान को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुंभ को लेकर के जो तैयारियां हैं पूरी जोर शोर से शुरू हो गई हैं। हमारी पुताई का काम जो है लगभग इस बिल्डिंग में समाप्ति की ओर है, उसके बाद साथ वाली बिल्डिंग में होगा, फिर छावनी में होगा, फिर एकड़ में होगा, फिर विद्यालय में होना है। तो तैयारियाँ जो हैं पूरी जोर शोर से चल रही हैं और जो स्थायी निर्माण होने हैं वो हमारे यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और जैसे जैसे गति हम तेज करते जाएंगे और मैं समझता हूँ यदि इस समय जैसे शुरुआत हो गई है तो कुंभ से पहले पहले हमारी जो नवी जो नवनिर्माण होना है वो बिल्डिंग जो है बन करके तैयार हो जाएगी और बाकी जो शाही स्नान का जो सामान है, शाही प्रवेश का जो स्नान है, अहदे हैं, छड़िए हैं, कुर्सियाँ हैं, पालकियाँ हैं,
उनकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। पौड़ी में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। ऐसे में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए एक बार फिर से पुलिस प्रशासन जनता को जागरूक करने में जुट गई है। पौड़ी जिले में पुलिस प्रशासन जगह जगह कोरोना पर रैली निकालकर लोगों को गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए जागरूक कर रही है। साथ ही एनसीसी के छात्र भी इसमें शामिल होकर अपना योगदान दे रहे हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने और मास्क की जरूरत को समझाने में लगातार ये छात्र भी जुटे हुए हैं। आज वर्तमान परिदृश्य में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके दृष्टिगत आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज जो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, इनका इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में जो भी पुलिस द्वारा शासन द्वारा जो भी कदम कोविड को रोकने के लिए किए जा रहे हैं उनमें आप लोगों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आप सभी चीज़ों का पालन करते हुए इस महामारी से लड़ने में हमारा सहयोग है। साथ ही इस बीमारी